हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद आकांक्षा। तो पुरानी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सेपरेशन टेक्निक में हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि प्योरिफिकेशन में एक और मेथड है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, किसी इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस को अलग करना। कोई इम्प्योर सॉल्यूशन हो उसमें से प्योर सब्सटेंस को कैसे अलग कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं। तो पहला स्टेप है इम्प्योर सॉलिड को, जो आपको इम्प्योर सॉलिड मिला है उसमें से आपको प्योर अलग करना है। तो उस इम्प्योर सॉलिड को सबसे पहले आप पानी में थोड़ा सा उसको मिला लें, डिज़ोल्व कर लें। थोड़े से अमाउंट में पानी लेना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, उस सॉल्यूशन को अब आप फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करके उस सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा, जो इम्प्योर इनसॉल्युबल इम्प्योर सब्सटेंस है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और प्योर वाला सब्सटेंस क्या होगा, सॉल्यूशन के साथ नीचे चला जाएगा। अब इस क्लियर सॉल्यूशन को, ठीक है, छानने के बाद, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, तो फिल्टर करने के बाद जो हमें प्योर क्लियर सॉल्यूशन मिला है उस क्लियर सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे और जेंटली हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं करेंगे, और वाटर बाथ में हीट करेंगे। वाटर बाथ का मतलब होता है बीकर में पानी लेंगे और उस पानी में फिर इसके ऊपर एक और वेसल रखेंगे, उस वेसल में हम लोग इम्प्योर लिक्विड लेंगे और उसको फिर गर्म करेंगे। वाटर बाथ का मतलब होता है डायरेक्ट हीट ना करना, वाटर के हीट से कोई चीज़ को गर्म करने को कहते हैं वाटर बाथ, ठीक है। और उसको जेंटली हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक आप देखेंगे थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स बनने शुरू ना हो जाएं। जैसे ही थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स बनने शुरू होंगे आप इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब इस सॉल्यूशन को आप कूल करने के लिए रख दीजिए, ठंडा करने के लिए। तो ठंडा होने के बाद आप देखेंगे प्योर सॉलिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर बन जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, जो गंदगी होगी, वो नीचे सॉल्यूशन में रह जाएगी। क्रिस्टल्स के रूप में जो प्योर सॉलिड होगा वो ऊपर जम जाएगा और इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूशन के साथ नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह से प्योर सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें टू ऑब्टेन प्योर सल्फेट, कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है और उसको हमें अलग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये इसे बोलते हैं चाइना डिश, ऊपर जो बना हुआ है इसे चाइना डिश कहते हैं। तो चाइना डिश में क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और वाटर बाथ में गर्म करेंगे। वाटर बाथ में मतलब क्या है, देखिए बीकर में पानी रखा हुआ है और गर्म करने पे इस बीकर के पानी में से क्या होगा, इवापरेशन होगा, वेपर्स निकलेंगे। उस वेपर्स की सहायता से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग गर्म करेंगे। तो इसको तब तक गर्म करेंगे, हीट करेंगे जब तक इसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू ना हो जाएं। फिर इस सॉल्यूशन को उतारेंगे, ठीक है, या आप इस एक काम कर सकते हैं बर्नर हटा दीजिए। तो उसके बाद इसको कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर देखिए ठंडा होने पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से क्या होंगे, क्रिस्टल्स जो होंगे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो छन करके नीचे चले जाएंगी। अब जो आपको क्रिस्टल्स मिला है उसे आप ओवन में या किसी सनलाइट में आप इसे सुखा लेंगे। तो सुखाने से क्या होगा, जो प्योर सॉलिड के जो सब्सटेंस थे, जो क्रिस्टल्स थे, वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से किसी इम्प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस के अलग करने को, प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें कॉपर सल्फेट का प्रोसेस यूज़ किया गया है। इसमें देखिए इस फिगर में कॉपर सल्फेट को हीट किया जा रहा है, ऊपर चाइना डिश है और नीचे वाटर बाथ है और कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद क्या होता है, वो क्रिस्टल्स उसमें धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं और जब उसे आप ठंडा कर देते हैं तो ठंडा करने पे देखिए ये ब्लू कलर की जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स हैं और किनारे आपको जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वो इम्प्योरिटीज़ हैं।
ये बीच में जो आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिस्टल जो है प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, और साइड में वाइट कलर का मुझे दिखाई दे रहा है वो इम्प्योर सॉल्यूशन है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हम क्या करते हैं, किसी इम्प्योर सॉल्यूशन में से प्योर सब्सटेंस को अलग करने का काम करते हैं। तो ये भी एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।